मेरी उम्र के बेरोजगारों, जाति धर्म के चश्मे उतारो, देखो ये कमी। मेरी उम्र के बेरोजगारों, मेरी उम्र के बेरोजगारों, जाति धर्म के चश्मे उतारो, देखो ये गरीबी। ये गाना पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पर खूब सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो बता दें कि ये बेरोजगारी एंथम है, गाना है जिसे गाया है इन जनाब ने। ये कलाकार आदर्श आनंद है, बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं। आदर्श ने इस गाने के लिरिक्स से आम आदमी की नब्ज पकड़ ली है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है बेरोजगारी की, और साथ ही वो दे रहे हैं एक अच्छा मैसेज। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस बेरोजगारी एंथम के पीछे की कहानी खुद आदर्श से। ये सबसे पहले मैं नाम जिक्र करना चाहूंगा इस जो सॉन्ग के पीछे की जो वॉइस है, जिन्होंने इस गाने को गुनगुनाया, उनको मैं ये क्रेडिट देना चाहूंगा। काहिल सुल्तानपुरी नाम है इनका, एंड ये कहाँ के हैं आई डोंट नो, बट इनकी इस ऑडियो को मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमारे जो यूथ है और अभी जो समस्याएं चल रही हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई आप वीडियोस बनाते हैं, फनी कंटेंट बनाते हैं, और उसके जरिए आप कभी कभी एंटरटेनमेंट के जरिए कुछ संदेश पहुंचा देते हैं, तो कुछ हम छात्रों के लिए, हम यूथ के लिए आप कुछ करें, कुछ आवाज उठाएं। तो मुझे लगा कि यार यही एक जरिया है, यही एक तरीका है जो इस माहौल के हिसाब से शूट कर रहा था। तो हमने टाइम था कि इस ऑडियो को लिया, एंड उसके बाद अपने तरीके से सोचा कुछ क्रिएटिव करते हैं। उसके बाद बच्चा पार्टी जो मेरा है, उस बच्चे गैंग की तरफ से, मतलब बच्चे को साथ में लेकर सबको एक दिन पहले, एक दो दिन पहले रिहर्सल हमने करी, एंड देन इसको हमने फिर बनाया। ये एक्चुअली बहुत पहले मैंने अपलोड किया था फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी किया था, बट इतने सारे व्यूज नहीं आ रहे थे, ये इतना वायरल भी नहीं गया था, बट दो तीन दिन पहले फिर मैंने ये किया, और ये सभी लोगों के प्यार, और मतलब आई थिंक 70-80,000 लोग मतलब इसे शेयर कर गए और मिलियंस ऑफ। अब जानते हैं आदर्श आनंद आखिर है कौन, कहां के रहने वाले हैं। चलिए इस कलाकार से खुद ही जान लेते हैं। मेरी पैदाइश भागलपुर की ही है, और मैं भागलपुर में ही जन्म मैंने लिया है, एंड थैंक्स टू माय मम्मी पापा कि उन्होंने मुझे ये जिंदगी दी, और आज मैं अगर इस मुकाम तक हूँ तो उनके वजह से, और जो भी प्यारे प्यारे लोग सपोर्ट करते हैं उनकी वजह से। और भागलपुर में मैं संत नगर हनुमान घाट रिफ्यूजी कॉलोनी करके एक जगह है, जो कि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, छोटी सी जगह है, और लेकिन बड़े बड़े सपने हैं और बहुत बड़ा कुछ करने की कोशिश है, सो इस जगह से हूँ। अच्छा आदर्श, इस जर्नी की शुरुआत लगभग कब से शुरू हुई, कौन सा वो साल था जब आपने अपना पहला वीडियो बनाया? जी एक्चुअली मैंने जो इसकी शुरुआत है, मैं बचपन से 4 साल की उम्र से मैं मतलब इन तमाम चीज़ों को मैं कर रहा हूँ, लाइक मैं डांस किया करता था, और ये सब सारी चीज़ें, डांस, कॉमेडी, एक्टिंग, सिंगिंग करने का भी शौक है, और एंकरिंग, मतलब लगभग सब कुछ, सभी चीज़ों पे मैंने हाथ लगाए हैं, और सभी चीज़ों से लोग मुझे जान भी रहे हैं, और सभी जगहों से मुझे प्यार मिल रहा है, मतलब हर एक फील्ड में अगर मैंने हाथ लगाया है, डांस, एक्टिंग, कॉमेडी, स्टैंड अप, मिमिक्री, और या मैंने 4 साल तक मैंने आरजे का भी जॉब किया, बहुत अच्छा करते हैं तो इन तमाम चीजों पे हाथ लगाने से पहले मैं सबसे पहले मैं जब 4 साल का था तब मैं डांस किया करता था, छोटे छोटे शहरों में जाकर, गाँव में जाकर ऑर्केस्ट्रा किया करता था 4 साल की उम्र से, और उससे कुछ पैसे आ जाते थे। एक्चुअली मेरे पिताजी श्री रविकर प्रसाद कर्म, वो होम ट्यूटर हैं, घर घर जाकर शिक्षा देते हैं, और तब से मतलब ये शुरुआत मतलब हुई मेरी, एंड डांस से शुरुआत हुई, और तब डांस किया करते थे, लिपसिंग करते थे किसी गाने पर, और बहुत जगह पे मतलब उपलब्धियां हासिल हुई, बहुत जगह पर लोग अप्रिशिएट किए कि ये 4 साल का बंदा बहुत अच्छा कर रहा है। डीएम जो भागलपुर के थे, चार मतलब जब मैं छोटा था तब उनके जरिए हम पुरस्कृत किए गए, बहुत बहुत बड़े बड़े नेताओं ने मतलब अप्रिशिएट किया, धीरे धीरे लोग जानने लगे, और सबसे पहला जो गीत था जिस गीत पर हम पॉपुलर हुए थे, लोग जानने लगे थे, लोग हमें कहते थे, जिस गाने पे मैं किया करता था 4 साल की उम्र से, वो गाना था हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, महमूद सर के गाने पर हम
करते थे नृत्य, तो लोग बोलते थे अरे तो वही है, हम काले हैं तो क्या दिल वाले आए करते हुए, तो ऐसा कुछ होता था, तो बहुत अच्छा लगता था। तो पहले डांस किया करते थे, लेकिन अब जो है सब कुछ करने की आस। आदर्श कलाकार तो पहले से ही हैं, लेकिन इस बेरोजगारी एंथम के बाद वो एक स्टार बन गए हैं। आदर्श ने खुद बताया कि किस कदर लोग उनको चाहने लगे हैं। यहाँ पे एक मजदूर साहब मिले जो कि ठेला ठेला लेकर ठेला वाले जो होते हैं, वो मेरे को सडनली देखकर मतलब बहुत ही कांप रहे थे, शिविर कर रहा था उनका पूरा बॉडी, एंड वो पास आकर मेरे से, मेरे को पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप का भी लड़का हूँ, वो मेरे पास आए और मेरे को आकर ये बोल रहे हैं आप आदर सानंद है ना, मतलब हम आपका वीडियो देखते हैं। वो जब ऐसे किया ना तो मेरे को बहुत अजीब लगा, तो मैंने उनके हाथ को पकड़ा, उनके गले लगा, वो बहुत ज्यादा मेरी तारीफें कर रहे थे, उनकी पूरी बॉडी कांप रही थी। तो बनारस के लोग, अभी मैं बनारस में, बनारस के लोग मतलब स्टेशन से लेकर जब मैं सड़क पे अभी गुजर रहा हूँ या फिर पैदल चल रहा होता हूँ तो लोग पकड़ लेते हैं और सेल्फी की भी फरमाइश करते हैं। सो बस सबको खुश रख रहा हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश है। एंड जब मास्क पहनकर मैं शूट के लिए जब जा रहा था पैदल, मैं ऑटो के लिए वेट कर रहा था, तो मास्क पे ही कम से कम 13 से 14 लड़के का एक लड़कों का ग्रुप जा रहा था, तो वो लोग मास्क पे ही देख के बोले आप भैया आप यूट्यूबर है ना भैया, मास्क खुले भैया, मास्क खुले भैया, आप यूट्यूबर आप से देख कर हम पहचान गए। तो मतलब इतना अच्छा लगा मेरे को, फिर मैंने मास्क खोला, मैंने पूछा कि यार मास्क में भी कैसे पहचान लेते हो, तो उन्होंने बोला कि यार ये मोहब्बत है आपकी बड़ी बड़ी आंखों को देख कर हमने ये, तो प्यार हर जगह से मिल रहा है, लोगों का प्यार है। आदर्श ने ये भी बताया कि वो अपने गानों के पीछे के मुद्दे को, मैसेज को कैसे चुनते हैं। आपको बता दें आदर्श अक्सर जमीन से जुड़े और संवेदनशील मुद्दों को अपने तरीके से उठाते हैं। समझ कर करता हूं। और ये सब जो संवेदनशील वाले जो टॉपिक्स हैं, इनको बहुत गहन अध्ययन करके करता हूँ। रिसेंटली जो अभी हमारे देश में रेप वाले कांड हुए थे, एक बच्ची के साथ एक हादसा हुआ था, तो उनके जब बात को मैंने सुनी, वैसे तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि जिनको लेके मतलब ना ही जिक्र किया जाए तो मतलब जी जिक्र नहीं कर सकते, खून खौल उठता है। तो उस चीज को मैंने कोशिश करी थी कि अपने जरिए अगर लोगों तक वो बात पहुंचे ना तो शायद वो कर सकते। तो मैंने खुद लड़की की गेटअप में आकर, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरे फेसबुक पेज पर मैंने उस वीडियो को अपलोड किया है, तो मैं लड़की की गेटअप में आकर मैंने उस किरदार को मैंने किया है और क्या करना चाहिए एक लड़की को, वो मैंने उस वीडियो पे बताया, मैंने देखा वो जी, अगर आपने देखी होगी तो शायद जानती होगी। तो बस वही चीज है कि जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं ना, तो उनको मैं सोच समझ कर करता हूँ। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसपे मैं हाथ नहीं रख पाता या फिर जिस चीज पे मैं कर नहीं पाता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे लगता है ना कि यार आई शुड स्पीक ऑन दैट, तो मैं उस पर बोल उठता हूँ। क्योंकि क्या मेरे पिताजी ने ये सिखाया कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बातें ना कहोगे, तो बिगाड़ के डर से मैं ईमान की बात जो है वो छुपा नहीं सकता। तो जहां पर मेरे को लगता है कि हाँ अब ये मौका है इस चीज को, अब मतलब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो इस चीज को मतलब पकड़ के भाई। अगर आदर्श बेरोजगार होते तो क्या करते, अगर सोशल मीडिया ना होता तो आदर्श क्या करते, सुनिए उनका जवाब। अरे बेरोजगार है मैम पूरा फुल बेरोजगार चल रहे हैं एक्चुअली जब सोशल मीडिया नहीं होता तो आदर्श ऐसा ही कहा जाए, और इस बेरोजगारी का नाम मेहनती वाला बेरोजगारी बोल सकते हैं, जो कि अपनी दिनचर्या को चलाता, छोटे छोटे प्रोग्राम्स करता। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो जैसे मैं स्टेज शोज करता था वैसे ही करता, ऑर्केस्ट्रा करता था वो करता, एंकरिंग करता था तो वो करता, लोगों को जगह जगह जाकर लाइव शोज करता, ये सारी चीजें करता। अब क्या हो गया, सोशल मीडिया जब से है तब से थोड़ा ज्यादा वैल्यू करके बढ़ रहा है, लोग वैल्यू कर रहे हैं। एंड आपने आदर्श के साथ वीडियोस में कुछ बच्चों को देखा होगा, दरअसल ये गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे हैं जिनका आदर्श एक भाई, दोस्त या पिता की तरह ख्याल रखते हैं। ये बच्चे जी सबसे पहले तो उनकी उपलब्धि ही हमारी उपलब्धि है। जब छोटे छोटे बच्चे, यहाँ शुरू करना चाहूंगा कि जब छोटे छोटे बच्चे
किसी शादी में या फिर कहीं पे इनवाइट किया जाता है जब मेरे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और सभी एक ड्रेस में जाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको मैं चाहता हूँ, मैं मेरी कोशिश रही है कि जो चार पांच बच्चे हैं मेरे पास, ऐसे तो कुल मिलाकर दस पंद्रह बच्चे हैं, लेकिन चार जो बच्चे हैं ना वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, वो उनसे मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो उन चारों को मतलब मैंने एक जैसा बनाया है और एक जैसे बनाने की कोशिश करी है। अगर मैं किसी को एक कपड़े देता हूँ तो सभी को सिमिलर कपड़े देते हैं, और वो लोग अगर शादी में या फिर बर्थडे पार्टीज में जाते हैं ना तो उनके साथ लोग जो सेल्फीज वगैरह लेते हैं और वो मेरे को आकर बोलते हैं आदर्श भैया, मतलब वो मेरे को गाइस बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रुप होता है ना उनको मैं बोलता हूँ हे गाइस इधर आ जाओ, तो वो लोग भी ना एक एक करके मेरे को गाइस बोलते हैं। तो वो मेरे को आकर बोलते हैं गाइस, जानते हैं गाइस वो ना एक दीदी थी वहां पे मिली बर्थडे पार्टी में, तो मेरे साथ सेल्फी ली, उनको बहुत अच्छा लगा गाइस, थैंक यू गाइस, तो ऐसे करके करते हैं। तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि बच्चों के साथ भी सेल्फी ले रहे हैं। तो इनके बारे में अगर बताऊं तो मेरे आसपास के ही रहने वाले ये कुछ बच्चे हैं, कुछ बाहर के बच्चे हैं, कुछ झोपड़पट्टी के कुछ बच्चे हैं। तो उन लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहते हैं ना कि जो जो जिस व्यक्ति के अंदर कला आ जाए ना, माँ सरस्वती आ जाए, तो वो कभी भूखा नहीं मर सकता। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि उनके अंदर भी वो सारी एबिलिटीज हो, वो सारी कैपेबिलिटीज हो कि वो कुछ कर पाए और वो अपनी राह बना पाए आगे चलकर। और बस जो आसपास के बच्चे हैं सभी मतलब गरीब घराने से बिलोंग करते हैं और मेरे साथ ही रहते हैं। उनमें से किसी के पिता मतलब मिस्त्री है, बिजली मिस्त्री है, किसी के पिता मतलब किसी की मम्मी नहीं है, मतलब तो ऐसे से मैं मतलब आई वांट मतलब मैं इस चीज को बोलना नहीं चाहता। हाँ, सब बच्चों की देखरेख आप ही करते हैं आदर्श जी? मेरे साथ रहते हैं और उनके मम्मी पापा भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा केयरिंग और बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ मैं उन लोगों से। जब कभी भी साथ में खाते हैं, साथ में सोते भी हैं, सो एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग है। एक बड़े भाई की तरह मैं उनको, एक बेटी की तरह मैं सभी बच्चों को प्यार करता हूँ। आप ये कहना चाहते थे कि आप सिंगल है, ये कहना चाहते थे आप? हाँ